मोदी सरकार ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को जीवन दान दे दिया है। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज का सबसे बड़ा फायदा वोडाफोन आइडिया को होगा, जो कि कर्ज की मार से जूझ रही है। राहत पैकेज के तहत स्पेक्ट्रम चार्जेस और एजीआर बकाए पर 4 साल का समय दिया गया है। एजीआर बकाए पर ब्याज घटाकर 2% सालाना कर दिया गया है। टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम बकाए का कुछ हिस्सा इक्विटी में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी को भी घटाया जाएगा। एजीआर कैलकुलेशन के तरीके को भी बदला जा सकता है। अब एजीआर में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को नया निवेश लाने में आसानी होगी। टेलीकॉम कंपनियां काफी समय से सरकार से राहत की मांग कर रही थी और आज सरकार ने उनकी सुन ली है। जितना लाइसेंस फी हो, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस हो, जितने भी तरह के चार्जेस थे, उन चार्जेस के पेमेंट पे एक हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी की रेजीम थी। इस रेजीम में सेक्टर में जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत अनड्यू बर्डन पड़ जाता था। तो आज इसको एकदम रैशनलाइज किया गया है। जो मंथली कंपाउंडिंग होती थी इंटरेस्ट की, उसकी जगह एनुअल कंपाउंडिंग होगी। इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही रीजनेबल MCLR प्लस 2% की इंटरेस्ट रेट अप्रूव की गई है, प्लस पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम के नियमों को भी आसान बनाया गया है। अब टेलीकॉम कंपनियां अपने स्पेक्ट्रम को दूसरी कंपनियों के साथ शेयर कर पाएंगी, साथ ही जरूरत पड़ने पर इसे सरेंडर भी कर सकती हैं। इसके अलावा मोबाइल टावर लगाने के नियमों को भी आसान किया गया है। अब टावर लगाने के लिए कई एजेंसियों की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, सेल्फ अप्रूवल से काम चल जाएगा। इतनी प्रेशियस रिसोर्स जो कि स्पेक्ट्रम जैसी रिसोर्स है, उसकी शेयरिंग पे कोई बंधन न हो, उस पे जो छोटी मोटी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, 0.5% SUC अधिक लग जाता था, फिर डिस्प्यूट रहता था कि किस पे लगेगा, पूरे की पूरी स्पेक्ट्रम पे लगेगा या उसी बैंड पे लगेगा, उन सबको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग पूरी तरह से अलाउ कर दी गई है। सरकार के राहत पैकेज का सबसे बड़ा फायदा वोडाफोन आइडिया को होने जा रहा है। वोडाफोन आइडिया पर जून तिमाही में करीब 1,92,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस कर्ज में स्पेक्ट्रम और AGR बकाया भी शामिल है। वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम फीस का 1,06,000 करोड़ रुपए बकाया है। AGR के 62,000 करोड़ रुपए और बैंकों का करीब 23,400 करोड़ रुपए भी बकाया है। वोडाफोन आइडिया के लिए इस भारी भरकम रकम को चुकाना आसान नहीं था। कंपनी वैसे भी घाटे में चल रही है। अप्रैल जून तिमाही में 7,319 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, लेकिन अब वोडाफोन आइडिया समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। इस राहत की खबर से आज टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल 5% की मजबूती के साथ 727 पर बंद हुआ, तो वही वोडाफोन आइडिया 4% की बढ़त के साथ 9 रुपए पर बंद हुआ। कुल मिलाकर टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। अब कंपनियों को अच्छी सर्विस पर फोकस करना चाहिए, ताकि भविष्य में कॉल ड्रॉप जैसी दिक्कतें खत्म हो सकें।